आज आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक पूरी नई विषय वस्तु के साथ मैं सेशन को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये हेडिंग क्या, आज की क्लास में एक बेसिक क्लास की तरह लेके चलूँगा। पूरा जितना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में एक डिस्कशन होगा। ज़्यादा दूर नहीं है पीछे। तो आज एक बेसिक क्लास की तरह फ्रीडम स्ट्रगल लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी मुझे गौर से सुनना है, बस आराम से बैठे रहो, सुनते रहो, जो चीज़ें मैं कुछ बताऊं उसको बनाते जाओ। इसके बाद जो है डिस्कशन भी करेंगे साथ साथ, कुछ डिस्कशन भी होगा हमारा प्रॉपर। और इसके बाद जो है मैं प्रॉपर हर चीज़ को लिखवाऊंगा। आज से मैं टॉपिक शुरू भी कर दूंगा, शुरुआत हम समझेंगे कि कहां से करना उचित रहेगा वहीं से करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने जो इतिहास की एक बेसिक क्लास ली थी, पहली क्लास, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि भारत की गुलामी, पहले इसको समझना ज़रूरी है, और यदि हम गुलामी समझ जाएं तो फिर आज़ादी की लड़ाई समझना और आसान हो जाता है। गुलामी को समझाने के लिए मैंने एक क्रिकेट मैच का सहारा लिया था और आपको बताया था कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला की तरह पूरा ये मैच हुआ, ठीक है। एक त्रिकोणीय श्रृंखला हुई जिसके कारण भारत गुलाम बना। अंग्रेज़ों ने एक क्रिकेट मैच खेला भारत के साथ। इस क्रिकेट मैच में मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पे तीन टीमें थीं। पहली टीम थी आपकी, पहले गुलामी की तरफ बढ़ते हैं फिर आज़ादी आपको मैं समझाऊंगा। मुख्य प्रतिद्वंदी टीम आपकी थी अंग्रेज़ों की। इंग्लैंड में ही क्रिकेट चालू हुआ, तो एक टीम ये खुद बन के आए थे, ये भी यूरोप से, ठीक है। दूसरी जो टीमें थीं वो थी यूरोपीय कंपनियाँ। यूरोप की बहुत सारी कंपनियाँ भारत में उपलब्ध थीं, आ चुकी थीं, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली भी थे, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, डेनिश भी थे, स्वीडिश भी थे और भी थे अन्य, ठीक है। कुछ यूरोपीय कंपनियां, दूसरी टीम ये थी। और तीसरी टीम भारतीय शासक थे, भारतीय शासक थे। एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो इंडिया में पहली बार ऐसा नहीं था कि कोई बाहरी आया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाहरी आकर के भारतीय इकोनॉमी पर या भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर रहा था। इससे पहले बहुत लोग आए भारत के इकोनॉमी को और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करने के लिए, सदियों से आते रहे। जब से भारत भूमि का जन्म हुआ होगा तब से विदेशी आक्रांता आते रहे, लेकिन उनमें और अंग्रेजों में अंतर था, उनमें और यूरोपियों में अंतर था। यूरोपियों से पहले कोई भी आया, चाहे प्रारंभ से बिल्कुल, चाहे आर्य आ रहे हों, आर्यों को बाहर का सिद्धांत है, बाहर से आए हुए माने जाते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ ये कहते हैं कि आर्य भारतीय थे। इस पर एक लंबा डिबेट है, मैं अभी डिबेट नहीं करूँगा, ये प्राचीन भारत की बात है। तो आर्य चाह रहे हों, ठीक है, आर्यों के बाद चाहे ईरानी आ रहे हों, ईरानियों के बाद चाहे भारत में, है ना, क्रम से यूनानी आए, सिकंदर का आगमन हुआ, सिकंदर के बाद जो है शक, पलहव, कुषाण, एक जनजातियाँ आई यहाँ पे, हूर जनजाति के लोग आए, है ना, फिर इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। तो लगातार बहुत सारे लोग आए, इस्लाम में भी तुर्क आए, अफगान आए, अरबी आए, सब आए क्रम से, मुगल आए अंततोगत्वा। तो जो भी भारतीय भारत में विदेशी आए, चाहे वो तैमूर रहा हो, चाहे गजनवी रहा हो, चाहे गौरी रहा हो, जो भी रहे हों, उनके आने का मकसद था कि यहाँ के, देखो भारत की तरफ आकर्षित करने या किसी भी तरीके आकर्षित करने का एक ही रीज़न होता, धन। भारत के पास एक अघूर संपदा थी प्राचीन काल से, और इस धन ने सबको आकर्षित किया, ठीक है। जितने भी विदेशी जातियाँ जनजातियाँ आती रहीं उसकी तरफ आकर्षित करता रहा ये धन, ठीक है। दूसरा हो सकता है धार्मिक उन्माद, धर्म का प्रचार करना, चूँकि एक पर्टिकुलर धर्म उनका था, एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो चुका था उस धर्म का। तो भारत में एक अलग धर्म था, एक हिंदू संस्कृति थी, एक वैदिक संस्कृति थी, तो हो सकता अपने धर्म का प्रचार करना भी दूसरा उद्देश्य रहा हो। लेकिन मोटिव ये होता, युद्ध का मोटिव ये नहीं होता, क्योंकि युद्ध के बाद बड़े स्तर पे हर्जाने होते थे, संधियां होती थी, तो ये निकल के आता है मेन रीज़न, मेन कॉज। लेकिन इससे पहले ये यूरोपीय और अंग्रेजों से पहले जो भी आए वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए। मुगल आए वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए, अरब आए भारतीय संस्कृति में रच बस गए, उन्होंने भारत को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, भारत को उन्होंने अपने ही अंदर आत्मसात कर लिया, ठीक है। तो उनके और इनके दोनों में अंतर है, उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ के कल्चरल सिस्टम सबको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर उस कल्चर को खुद अपना लिया, या अपने कल्चर को उसमें आत्मसातीकरण कर दिया।
ये रहा, लेकिन जब ये आए, अंग्रेज और यूरोपीय दोनों आए, इन्होंने आकर यहाँ एक अलग प्रकार का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम, पाश्चात्य सभ्यता की जो बात कहते हो, इन्होंने ही यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया। यहाँ की शिक्षा प्रणाली से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उन्हें अपनी शिक्षा प्रणाली लादनी थी आपके ऊपर, अपनी भाषा लादनी थी, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाटना था, अपनी विचारधारा। उनकी विचारधारा क्या थी? एक औपनिवेशिक शोषण करने की विचारधारा। औपनिवेशिक शोषण क्या था? भारत को महज कच्चे माल का संसाधन बना देना, ताकि यूरोपीय फैक्ट्रियां जो लगी हुई थी वहां पे माल का उत्पादन किया जा सके, चीजों को बनाया जा सके। तो उनका अल्टीमेट गोल ये नहीं था कि भारत में एक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दिया जाए, कोई गोल नहीं था अंग्रेजों का या यूरोपीय कंपनियों का। वो सिर्फ महज लाभ कमाने के मामले में आई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों और यूरोपियों के आने से पहले, एक औद्योगिक आयोग बनाया गया था 1918 में, और औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले यूरोपीय अर्थव्यवस्था के समकक्ष थी। चाहे मौर्य काल रहा हो, चाहे गुप्त काल रहा हो, चाहे शकों का काल रहा हो, चाहे कुषाणों का काल रहा हो, चाहे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा हो, चाहे मुगल काल रहा हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा इतना है ना, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जब मैं अभी इकोनॉमी को लेकर के आगे आपकी एक क्लास भी है तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा भी आपको। तो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कमज़ोर नहीं था इनसे, इन्होंने कोशिश की ख़त्म करने की। रीज़न क्या था? एक सोच थी, कॉलोनी बनाने की सोच। भारत को एक कॉलोनी बना करके यहाँ पे औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ किया गया। टैक्स यहाँ से वसूला गया, लेकिन सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं ब्रिटेन में, यूरोप में। यहाँ के पैसे को यहाँ पर खर्च नहीं किया गया, इसी को औपनिवेशिक शोषण कहते हैं, आर्थिक शोषण कहते हैं। तो ये चीज़ें इनके और इनमें अंतर था। तो आप पुराने जो भी आक्रांता हैं उनसे इनकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रिकेट मैच जो हुआ, इसमें कई टीमें थीं, यूरोपीय में कई टीमें थी। मैंने बताया था आपको कि पुर्तगाली थे, है ना, डच थे, डेनिश थे, ये सब कंपनियां हैं जो कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं। तो पहले इनसे हुआ, अंग्रेजों ने पहले इनसे लड़ाइयां लड़ी, पुर्तगालियों को हराया, है ना, पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों के बाद डचों को हराया, डेनिश को हराया, है ना, बेदरा का लड़ाई हुआ, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी हराए गए, ठीक है। तो ये जो है, और एक युद्ध में नहीं कोई हराया गया, बहुत लंबी कहानी है। आप सोच लें कि अंग्रेजों ने किसी को एक युद्ध में लड़ाए हो तो ये नामुमकिन है। उन्होंने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप वार किया। मारते थे, माफ़ी मांगते थे, मारते थे फिर माफ़ी मांगते थे, मारते थे फिर माफ़ी मांगते थे, और मारते मारते जब देखते थे कि बहुत कमज़ोर हो गया, अब इसे माफ़ी ना मांग के इसे पूरी तरह से मार दो, ये कंडीशंस थी। कई चरणों पे मारा उन्होंने, चाहे भारतीय शासकों के साथ रहा हो, चाहे इनके साथ हो। आंग्ल कर्नाटक वार आप देखोगे तो एक वार में नहीं हुआ, तीन तीन चार चार वार हुए, फिर वांडीवास हुआ, है ना। तो हमेशा मारने के बाद संधि, इसी को कहते हैं। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं पे पहले इन्होंने ये इनके साथ क्रिकेट मैच हुआ और इनको हरा दिया। इसके बाद बचे ये भी बड़ी संख्या में थे, बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों को शायद लिखवाया भी है कि आंग्ल मराठा, पहले मराठों को यहाँ से उनको बेसिन की संधि और ख़त्म किया गया। मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनको ख़त्म किया गया यहाँ से, है ना। अवध के नवाब, उसे भी ख़त्म किया गया, ठीक है। दो पर्सन आए, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, ये दो पर्सन आए जिन्होंने आकर के किसी भी तरीके से कोई भी येन केन प्रकारेण, चाहे सहायक संधि प्रणाली हो, चाहे व्यपगत का सिद्धांत हो, चाहे युद्ध हो, है ना, चाहे षड्यंत्र हो, जो भी तरीका मिला उस तरीके से भारतीय शासन और भारतीय शासकों को ख़त्म करना था। अल्टीमेट इनका परचम लहराया भारत में और भारत इनके कैप्चर में आ गया, गुलाम बन गया। तो गुलामी की दास्ता की कहानी, काफ़ी लंबा सिनेरियो क्रिएट होता है और इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसी हो, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग इशू है। तो अंग्रेज पहले भारत को धीरे 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 करके, और इनका कई बार कथन भी था कि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, बिना प्लानिंग के भारत को जीत लिया, है ना, अनप्लान्ड तरीके से बेखबरी के दौर में भारत जीता गया, ऐसे इनके कथन भी निकल के आए। इन्होंने कहा हमने कोई कभी प्रयास नहीं, हम तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे, है ना, हमारा कोई अल्टीमेट पर्पज़ नहीं था। तो भाई अल्टीमेट पर्पज़ नहीं था तो 1858 का अधिनियम क्या था, 1858 के पहले 1853 का अधिनियम क्या था, अच्छा चलो सब छोड़ो, 1773 का अधिनियम क्या था, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेकर आ गए, क्यों ब्रिटिश संसद इन्वॉल्व होने लग गई, तो वो अलग इशू है, उस पर भी बड़ी लंबी डिबेट है। तो धीरे धीरे भारत को इन्होंने गुलाम किया, गुलाम करने का मतलब है औपनिवेशिक शासन के अधीन ले लिया।
मैंने आपको विश्व इतिहास में दो विषय वस्तु पढ़ाई थी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण, है ना, किसी भी देश में जाकर कोई दूसरा देश प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण करने लग जाए, और जब कभी भी किसी कंट्री में वहां का पॉलिटिकल सिस्टम किसी दूसरी कंट्री के हाथ में आ जाएगा तो ये बड़ा इजी है कि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम उनके कंट्रोल में होगा। पॉलिटिकल सिस्टम ही इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता है ना, बड़े इजीली तरीके से इसको आप समझ सकते हो। तो यानी साम्राज्यवादी जो विचारधारा है, साम्राज्यवादी विचारधारा कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। और जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम कैप्चर होता है तो वो क्या क्रिएट हो जाता है वहां पे, इकोनॉमिक सिस्टम भी उनके हाथ में आ जाता है। इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। दूसरा कॉन्सेप्ट है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक शोषण करना, ये उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है, चाहे वहां पर आपका राजनीतिक नियंत्रण हो या ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक नियंत्रण ना हो तो भी आप किसी देश का क्या कर सकते हैं, आर्थिक शोषण कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल है, मैं हमेशा ये जो इंडो चीन है, इंडो चाइना में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये जो आपके छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था इस क्षेत्र पे जब भारत में औपनिवेशिक शोषण चल रहा था। तो वियतनाम में तो फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद कर रखा था, लेकिन उपनिवेशवाद था लाओस में, कंबोडिया में, यहां पर उपनिवेशवाद था उनका, यानी डायरेक्टली वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर न करके वहां का इकोनॉमिक शोषण किया गया। चाइना उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, ऑस्ट्रेलिया उपनिवेशवाद का शिकार हुआ, भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों का शिकार हुआ। तो भारत में गरीबी अंग्रेजों की देन है। आज जो हम गरीब हैं, आज जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये अंग्रेजों की देन है। अब जनसंख्या अंग्रेजों की देन नहीं है, वो हमारी देन है, लेकिन हो सकता है कि गरीबी के कारण से जनसंख्या की बढ़ोतरी भारत में हो गई। रीजन ये रहा कि जब भारत में अकाल आते रहे, फेमाइन आते रहे, तो अंग्रेजों ने कोई स्टेप नहीं लिया। एक रीजन ये भी इतिहासकार देते हैं कि अंग्रेजों ने कोई स्टेप नहीं लिया जब यहाँ पे बड़े बड़े स्तर पे अकाल आए, हैजा पड़ा, भुखमरी पड़ी, है ना, कुछ भी हुआ तो बड़ी संख्या में गाँव के गाँव साफ हो जाते थे, बड़ी के संख्या में एक परिवार आधा हो जाता था, 50%। तो लोगों ने फोकस किया उस पे कि घर की आबादी बढ़े ताकि मेरे बच्चे न खत्म हो जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, एक महामारी आई, सब निपट गए। तो ये भी एक फोकस, इसमें भी अंग्रेजों का योगदान इनडायरेक्टली माना जाता है कि भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ आज बढ़ी है, लेकिन 1947 के बाद तो अंग्रेज नहीं थे, लेकिन शिक्षा का स्तर भी हमारा इतना नहीं था कि हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें, ठीक है। चलो इस तरह ये इशू ही अलग है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। बात थी हमारी भारत की गुलामी की। तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी के तहत धीरे 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 भारत को कैप्चर किया। ज़्यादा बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो 1757 और 1764, ये दो डेट हैं, ये जानते हैं, प्लासी और बक्सर, ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक, कोई बात नहीं, चार दिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो 1764 और 1784, ये दो बड़ी कहानियां हैं जिन कहानियों से अंग्रेज जो है भारत में इन्वॉल्व हो गए। रीज़न क्या था, इनको पता था कि भारत से डायरेक्टली जो है किसी भी तरीके से जीत नहीं पाएंगे। तीनों ने कार्य क्या किया, षड्यंत्र का शुरुआती सहारा लिया, डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी, षड्यंत्र को भी एक इशू बनाया, एक तरीका बनाया। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही क्या, हाँ, कोई बात नहीं, कभी लाइट नहीं है, थोड़ा सा सहयोग करिए, लाइट नहीं है जिस कारण से, ठीक है। अब चुप रहना है, कोई बोला तो बात बिगड़ जाएगी। 16-18 कुछ नहीं चलेगा, जो चल रहा है इसे 1757 चलेगा, ठीक है। हाँ चलो मैं बढ़ता हूँ, टेम्परेचर कोई मायने नहीं रखता, आज ठंडा होगा कल फिर गर्म हो जाएगा, कल गर्म है फिर ठंडा हो जाएगा। जिस देश में रह रहे हो ना, महीने साल में 4 बार ऋतुएं बदलती हैं, यहाँ कोई भरोसा नहीं है टेम्परेचर का, ठीक है। एसी तो 4 दिन की चांदनी है, अभी आई है, पहले तो गर्मी में ही रहते थे। आप लोग एक एक पंखा खरीद लो यहाँ के लिए, यहाँ के भरोसे ना रहो, अपने अपने भरोसे रहो, ठीक। तो अब चुपचाप बैठना है, कोई बोला तो ठीक नहीं रहेगा गर्मी। और ये पीछे जो ये पूरा क्वार्टर बैठता है बात करने वाला, आप लोगों को तो किसी दिन मैं खड़ा करके ना खास सामने टेस्ट लूँगा, आप लोग बहुत बात करते हो, पीछे पूरा ये बात करने वाला काटा ले, आगे पीछे से 1-2-3 सीट। शिवानी महेश्वरी आप भी इन्वॉल्व हैं इसमें,
तो जो लोग ये बात करते हैं ना, इनको तो मैं क्रम से बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विषय वस्तु को बढ़ने दो ताकि मैं फिर आगे टॉपिक शुरू कर सकूं। आज ही मुझे विषय वस्तु शुरू भी करनी है। तो कहानी आती है 1757 में, ईशू क्रिएट हो जाता है 1757 का। ये है भारत की गुलामी का दिन। यहाँ से भारत गुलाम होना शुरू हो जाता है, थोड़े स्तर पर बढ़ता है। 1764 में क्लियर हो जाता है कि हाँ, अब अंग्रेज एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर चुके हैं। फिर लगातार 1798 वेलेजली का आगमन, 1848 डलहौजी का आक्रमण, ये दो महापुरुषों ने ब्रिटिश हुकूमत को भारत में पूरी तरीके से झंडा फहराने का कार्य किया। आज मैं इन लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा, गवर्नर जनरल और इनकी सारी टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो दिन है, ये दिन, इस टाइम तक भारत जो है लगभग पूरी तरीके से क्या हो गया, कैप्चर होना शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकल के हैं, जब एक बार आपको बीमार हो जाते हैं तो फिर इसके बाद उसका इलाज ढूंढना शुरू करते हैं। पहली बात, इन्होंने, अंग्रेजों ने एक पॉलिसी ये भी अपनाई कि भारतीयों को पता ही नहीं चले कि वो बीमार है। पहली बात, इन्होंने बहुत कोशिश की कि भारतीयों को कभी नहीं पता चले कि वो बीमार है। यदि उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे करवाएंगे, है ना। यदि मान लीजिए आप ही हैं, किसी व्यक्ति का यूज़ कर रहे हैं लेकिन कभी उसे जाहिर ना होने दें, उस पर शंका ना पैदा करने दें कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार यदि उसको भनक लग गई तो हो सकता है वो अपना तरीका ढूंढने लग जाए, अपना दिमाग चलाने लग जाए। तो अंग्रेजों की शुरुआती पॉलिसी यही रही, और कांग्रेस जैसी एक संस्था भी अंग्रेजों के पक्षधर बनी रही। कब तक बनी रही अंग्रेजों की पक्षधर, कांग्रेस जैसी संतरा 1919 तक। कब बनी थी? 1885 में, ठीक है। एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस का, अंग्रेजों का पक्षधर रहा। 1919 में भ्रम टूटा गांधी का, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब रॉलेट एक्ट आया, तब गांधी का भ्रम टूट गया अंग्रेजों से। जो बड़ा प्यार उमड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, जो केसरी हिंद बने बैठे थे, उनको लग गया कि अंग्रेज यहाँ पर भी शोषणकारी नीति, क्योंकि ये वो लोग थे कांग्रेस में जो लोग ब्रिटेन से घूम टहल के आए थे। ब्रिटेन की इकोनॉमी, ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन का लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन की पब्लिक सोशल इशू, सबको देख कर आए थे, और उस चीज़ को चाह रहे थे कि अंग्रेज ही हैं जो भारत में ला पाएंगे, बाकी किसी के दम की बात नहीं है। राजा राम मोहन राय जैसे लोग पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता, यूरोपीय विचारों को ग्रहण करने पर इतना जोर इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे देश का कल्याण इन्हीं के कारण हो पाएगा। तो शुरुआत में तो इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सबको लगा, क्योंकि मैकाले की पॉलिसी यही रही। मैकाले ने कहा कि पूरा वर्ग ऐसा क्रिएट करो जो वर्ग हमारे हित में सोचे, और बाकी सबको हम शोषण करेंगे। एक छोटा सा कार्टेज तैयार किया इन्होंने। वही लोग कांग्रेस में भी थे और अदर जगहों में थे। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय के बहुत सारे कारण थे, मैं एक दो कारण, ज़्यादा कारण नहीं यहाँ पे बात करूँगा, जब मैं लिखवाऊँगा तब बताऊँगा। बताइए क्या क्या कारण आपके हिसाब से, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, मुझे लगता है ये सेक्शन सब जानते हैं, राष्ट्रवाद कैसे भारत में प्रारंभ होता है, राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण है, बताइए। धार्मिक हस्तक्षेप किसने? अंग्रेजों ने धार्मिक हस्तक्षेप कर दिया तो राष्ट्रवाद का उदय हो गया हमारे अंदर। नहीं, राष्ट्रवाद पहले, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, मैंने एक बार बताया था ना, राष्ट्र राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। देखो, राष्ट्र एक ऐसा पहलू है जिससे आप लोग इमोशनली जुड़े हुए हो, भावात्मक तौर पर जुड़े हुए हो, भावात्मक बंधन है राष्ट्र। महज एक बॉर्डर नहीं, एक सीमा नहीं है जिसके लिए आप जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, वो राष्ट्र है। तो राष्ट्र एक अलग चीज, राष्ट्रवाद का उदय, मेरा धर्म यदि व्यथित हो रहा हो और मैं उस धर्म के लिए लड़ूं तो ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, ना कि राष्ट्रीय लड़ाई। राष्ट्रवाद तब है यदि दूसरे का धर्म भी व्यथित हो और राष्ट्र में एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर देख रहा हूं, तब मैं लड़ूं, तो ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद व्यक्तिगत इशू नहीं है, राष्ट्रवाद एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, राष्ट्रवाद एक बड़ी सोच है जिसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है जो एक दूसरे से इमोशनली। राष्ट्र की जब बात आती है सब बंधन छोटे पड़ जाते हैं, चाहे वो क्षेत्रीयता का हो। अभी हो सकता है मैं दो मिनट में आप लोगों से हमारी आपकी बहस हो, आप अपने बिहार को बड़ा बताएं, कोई महाराष्ट्र को बड़ा बताएं, कोई यूपी को बड़ा बताएं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे, ये राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय में धर्म एक बंधन के तौर पर मत मानिए। और दूसरा कोई इशू बताइए। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद का उदय कर दिया।
ना, एक मंच का उदय हो जाना, उससे बहुत सारे मंच थे। कांग्रेस एक मंच था और कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे खड़ा। आज आईएएस पीसीएस बनना चाह रहे हो, आईएएस पीसीएस कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाकर सोशल सर्विस करोगे। ऐसे 50 प्लेटफॉर्म है कंट्री में। तो कांग्रेस एक मंच था, कांग्रेस के अलावा कोई मंच नहीं थे क्या? बहुत सारे मंच थे, अभिनव भारत जैसी संस्थाएं भी थी जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाती थी। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सबसे पहली चीज सुधार आंदोलन, ये बड़े स्तर पे हुआ, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। मैंने आपको बताया था कि बंगाल में चालू हुए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और इसके बाद महाराष्ट्र में भी हुआ आंदोलन दिखाई देते हैं, साउथ में भी दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। तो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये बड़ा, बहुत बड़ा इशू था और इसने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नेक्स्ट, समाचार पत्रों का उदय। अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, जिसके तहत समाचार पत्र, आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा पूरा समाचार पत्रों का इतिहास। तो समाचार पत्रों के उदय ने भी राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया, ठीक है। तो समाचार, रुक जाइए एक एक करके, हाँ बताइए नेक्स्ट। अच्छा, शिक्षा और संस्कृति, पाश्चात्य विचारों का, अंग्रेजों की शिक्षा और संस्कृति, इसने भी, भाई पहली बार हमें पता चला कि राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज होती है, नेशन स्टेट कोई एक बात होती है। पहले तो नेशन स्टेट पता ही नहीं था, है ना, मराठे अपनी भूमि के लिए लड़ रहे थे, मुगल अपने भूमि के लिए। 1857 की क्रांति में बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि ये कोई देश के लिए लड़ाई नहीं थी, ये तो अपने अपने, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, है ना, तात्या टोपे नानक साहब अपने पेशवाई के लिए लड़ रहे थे, तो वहां पे कहां नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट का उदय 1857 में बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना, वो एक महज सैनिक विद्रोह था, इस बात में कोई गलत नहीं है। तो नेशन स्टेट यानी पूरे राष्ट्र के लिए लड़ना, राष्ट्र के लिए खड़े हो जाना, एक स्टेट की बात क्रिएट करना, बात करना, ये है नेशन स्टेट। तो कहीं ना कहीं पे सबसे पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का उदय, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका विचार, जब ये विचार हमारे अंदर आए, हमें स्वतंत्रता की बात पता चली कि ये भी कोई बात होती है, है ना, हमें तो गुलामी की लत पड़ी हुई थी। कोई भी आ रहा था किसी भी साथ, भाई क्या हो रहा था, युद्ध हुआ, पता चला गुजरात में कोई नया शासक है, अकबर ने युद्ध किया, अकबर के कैप्चर, अब अकबर के शासक, हमारा राजा अकबर हो गया। हम तो शासक बदलने की प्रक्रिया में लगातार रहे, कब नहीं रहे। पूरे भारत का इतिहास कभी एकता का था, कभी विखंडन का था, कभी किसी ने एक कर दिया, कभी तो हमारे, हमें नित्य प्रतिदिन हमारे शासक बदलते थे, आज शासक दूसरा, कल शासक दूसरा, परसों तीसरा। कोई ऐसा थोड़ा ना था कि सिक्योर्ड थे, जैसे आज के टाइम पे है कि एक डेमोक्रेसी है, अपना राजा हम कुछ चुनेंगे, तो वहां पे सिस्टम उस समय नहीं था, मध्यकाल संघर्षरत समाज था। आधुनिक काल में अंग्रेज आ गए तो कुछ बुरा नहीं लगा हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति विचारों ने बताया कि आपके कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके तहत आप अपने आप को, अपने जीवन को आप खुद भी नियंत्रित और कंट्रोल करके चला सकते हैं, और आपका भी एक पॉलिटिकल सिस्टम बन सकता है। तो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है। और नेक्स्ट, रेलवे का विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। रेलवे अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, आपके लिए नहीं बनाई थी कि आप आराम से बैठेंगे गाड़ी में, छुक छुक करते हुए अपने गांव तक जाएंगे, अरे बड़ा पैदल चलते हैं भारतीय, इनको पैदल ना चलने दिया जाए, है ना, इनके पैर, ऐसे लिए थोड़ा ना बनाए थे। वो तो इसलिए बनाए थे कि शोषण की गति तीव्र की जा सके, जहां पे 10 दिन में सामान जो है पोर्ट में पहुंचने में लगता है, वो 2 दिन में पहुंचे, तो और तेजी से शोषण करें। कोई उनका दिमाग में सोच नहीं था कि भारतीयों का कल्याण हो, उनको यह था कि कहीं विद्रोह होता है तो तुरंत फोर्स भेज सकें, वो ये सोच से रेलवे आई थी भारत में। डलहौजी की सोच ऐसी नहीं थी कि भारतीयों को आराम दिया जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उनके लिए गतिमान एक्सप्रेस, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। और उन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने पहले चलाई जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा संकट लगा। और नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये भी एक इशू हो सकता है कि हमें रिजनेबल, है ना, जो हमारा एक स्थान था कहीं पर भी, वो हमें नहीं दिया गया। हर जगह पे ऐसा लगता था कि अपने ही देश में जो पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग थे, वो जब जाते थे तो उनको ऐसा फील करा दिया जाता था कि आप यहाँ पे नहीं थे। एक कह सकते हैं पक्षपात दोष भरी नीति, है ना, दोष युक्त नीति, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बना दी इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही थी, उसके कारण से अंग्रेजों का डिस्क्रिमिनेशन। और नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई 1800,
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। इसको पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता। और बताइए अभी बहुत क्या भारत की जाति विभेद नीति हमारा सोशल इशू था, अंग्रेजों की प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों ने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया। अंग्रेजी सेना में भारतीयों का कम योगदान। धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप से राष्ट्रवाद का उदय तो नहीं होगा, राष्ट्रीय चेतना तो नहीं मुखर होगी। लेकिन अब जैसे 1857 की क्रांति में ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया हमारे धार्मिक इश्यों पर, लेकिन उसके कारण छोटे छोटे आंदोलन हुए। जनजातियों में वो घुसे तो जनजातीय आंदोलन हो गए, वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग इशू है। हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना कि लोकल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। धर्म के साथ हस्तक्षेप उन्होंने किया नो डाउट्स, लेकिन धर्म के साथ जो हस्तक्षेप उन्होंने किया उस हस्तक्षेप में यदि वो किसी को बलात् धर्मांतरण ईसाई धर्म में करा रहे हैं तो गलत है, लेकिन यदि धर्म की रूढ़िगत बुराइयां दूर कर रहे हैं तो गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बड़े पदों तो दोषपूर्ण नीति हो गई, डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हो गई। आर्थिक शोषण, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाभाई नरोजी, आरसी दत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आई पहली बात पर चला कि आर्थिक नीति जो है अंग्रेजों की वो औपनिवेशिक है, ये हाँ ये है, और ये राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी। और अंग्रेजों के द्वारा कुछ बिल लाए गए, जैसे एक बिल का नाम बताता हूँ, इल्बर्ट विधेयक, आप लोगों ने सुना हो तो। क्या था ये इल्बर्ट विधेयक बताइए, किसी को पता हो इल्बर्ट विधेयक क्या है, इल्बर्ट बिल क्या है? तो जज कर सकता है, ये लेकर आए रिपिन। 1883 में एक बिल आया, उस बिल में यह था कि यदि कोई अंग्रेज है ना क्राइम करता है या उसके ऊपर कोई अपराध है ना अपराध सिद्ध होता है तो उस अपराध की सुनवाई कोई भारतीय जज भी कर सकता है, ये बिल लेकर आए। और जैसे ये बिल आया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अंग्रेजों की सुनवाई भारतीय करेंगे, भारतीयों को चुकी। तो इल्बर्ट विधेयक का विरोध हुआ, बाद में रिपिन ने इसे वापस भी ले लिया, ये बात यूरोप तक गई। तो इससे भी कहीं ना कहीं पे इसका भी एक प्रभाव पड़ा बड़े स्तर पे कि ये हमें जो है कभी भी अपने बराबर नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ से भी एक बात निकल के आती है कि और ढूंढिए कुछ, जलियांवाला बाग हत्याकांड तक राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। बंगाल विभाजन भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। अंग्रेजों के द्वारा भारत के कई हिस्सों को प्रशासनिक तर्ज पर बांटने की कोशिश की गई, तरीका वो बताया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन, बिल्कुल बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और बाकी मौन ही है, बोल्शेविक क्रांति। राष्ट्रवाद के उदय की जगह पे समाज साम्यवाद या समाजवाद का प्रभाव भारतीय आंदोलनों में पड़ा, बोल्शेविक क्रांति को नहीं रखते। प्रथम विश्व युद्ध की घटना भारत के राष्ट्रवाद के लिए हाँ है काफी हद तक। गांधी पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही रुष्ट हुए। बोल्शेविक क्रांति क्या है ना, वो कहीं ना कहीं पे भारत में एक अलग प्रकार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। आप एक दफ़े इससे पहले की क्रांति जैसे हैं, आपकी एक क्रांति आपकी है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इनकी बातों पर लड़ी गई। लेकिन जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य कुछ अलग था, अलग पर्पज़ से थी। वो एक इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए थी, ठीक है। लेनिन की जो नीति थी वो अलग थी, वो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको। भारत में प्रभाव पड़ता है नो डाउट, लेकिन ये प्रभाव पड़ा 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू पर। नेहरू के द्वारा जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया लेनिनवादी नीति पर वो ज़्यादा आधारित था, वो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल होगा,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल है। और बताइए, एक बड़ी घटना है जिसमें भारतीय भी गए और ब्रिटेन ने यह भी कहा कि जब हम जीतेंगे तो हम आपको बहुत सारे राइट्स देंगे, ठीक है। और उसके लिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, उसके पहले जो है रॉलेट एक्ट लेकर आ गए, वो बहुत सारी चीज़ें आई जिसके कारण से मोह भंग हो गया और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। बहुत सारे रीजन और भी है। अच्छा, ये किस प्रकार से अच्छा अच्छा हाँ, इस तौर पे भी हाँ मान सकते हैं, भारतीयों को धक्का लगा कि भाई हमारे ऊपर नहीं खर्च कर रहे, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना, और राष्ट्रवाद का उदय हो गया। चलो, एक इशू है, ठीक है, अभी बहुत सारी रीजन है, मैं सब लिखवाऊंगा जब आगे चर्चा होगी। तो राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक है, देश के प्रति लोगों को एक जागरूकता और लोगों को लगा कि अपने देश का जो क्या भारत उस समय भारत था। एक बहुत बड़ी बात, एक क्वेश्चन किया जाता है हमेशा कि अंग्रेजों ने भारत को एक कर दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आमतौर पे सब लोग कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आए और भारत को एक करके गए, और कोई व्यक्ति नहीं था जो भारत को एक कर सका। तो अंग्रेज भारत को एक किया, ये बताइए इसका क्या आप लोग तर्क समझते हैं कि क्या अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन एक था, क्या मुगल काल में नहीं था? मुगल काल में था कि नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन एक, वहाँ भी था। उससे पहले, मुगल काल से पहले जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत में महमूद मोहम्मद बिन तुगलक का बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, वापी 50 साल के आसपास शासन किया तुगलक ने। खलजियों का भी था, अलाउद्दीन ने भी बहुत बड़ा प्रशासन क्रिएट किया था। शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो वो तो अंग्रेजों ने भी रहा। एक कैसे किया इन्होंने भारत को, ये मुद्दा है, एक कैसे किया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भारत को विखंडित कर किया उन्होंने। 1947 में जब गए तो उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया उसमें तो यही कहा कि जो देसी रियासतें अलग होना चाहती हैं वो अलग रहें, जो भारत में रहना चाहते हो भारत में रहें, चाहे पाकिस्तान में हो, तो एक नया देश भी बना के चले गए। तो कहाँ एक किया, जिस हालत में आए थे, जिस हालत में भारत को पाया था, उससे बुरी हालत में छोड़ के गए। तो कभी अंग्रेजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो भारत को एक करके गए, देना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत गंदी अवस्था में देखे, उसका दंश आज भी झेल रहे हो आप। सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ वो अंग्रेजों की देन है, सांप्रदायिकता। उन्होंने 1857 की क्रांति में उसका बीज बोया था, जो बड़ा हुआ 1947 में, और भारत का एक नया देश बना के चले गए सांप्रदायिकता के कारण। तो कहाँ से उनको श्रेय दिया जाए कि भारत को एक किया, वो तो पटेल की भूमिका रही। पटेल ने जो है खून पसीना लगाया, बंदूकें तानी गई पटेल के ऊपर शासकों के द्वारा, देसी रियासतों के शासकों के द्वारा। किसी तरीके से उस बंदे की डिप्लोमेसी थी कि उस बंदे ने भारत को एक किया, और किसने किया। तो अंग्रेजों को यह श्रेय दिया जाना भी गलत है कि भारत को उन्होंने एक किया, कभी नहीं किया। कब किया उन्होंने, कोई भी तरीका नहीं रहा, जितनी भी चीजें वो बनाया उसको और बुरे तरीके से बिगाड़ के चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो उनका था वो कुछ ऐसा ही था। बेटन प्लान में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप खुद सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या कहानी ये सेट करके गए थे। चलो अब शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राष्ट्रवाद के उदय ने यह कहा कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र होनी चाहिए। अब एक चीज बताऊं, आपको यदि किसी से काफी बड़ी अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करवानी हो, आपका गोल ऐसा हो कि इससे अच्छा खासा खर्चा कराना हो, तो यदि आप इकट्ठा उससे उतना खर्चा बता देंगे तो वो खर्चा नहीं करेगा, है ना, मना कर सकता है आपको सीधा सीधा। तो आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा सरकाना चालू करते हो, पहले ये, इसके बाद कहते हो नहीं नहीं ये भी आ जाए। या आमतौर पे खाने के टाइम पे होता है ना, एक बार ऑर्डर किया, आने के बाद थोड़ा सा और मंगवा लो, फिर और मंगवा लो धीरे धीरे, क्योंकि बिल किसी और को देना है। तो आमतौर पर अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता हमने ली वो धीरे धीरे ली, धीरे धीरे डिमांड की, इकट्ठा डिमांड नहीं की कभी भी हमने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1857 की क्रांति ये स्वतंत्रता के लिए थी कि नहीं थी, इस चीज को लेकर बड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी मंगल पांडे जैसा व्यक्ति जिसने इस क्रांति को प्रारंभ किया था और जिसने ये विचार किया था कि अब वो कभी ना कहीं पे अंग्रेजों की नहीं सुनेगा, और अंग्रेज जो उसके धर्म के साथ, मंगल पांडे अपने लिए लड़ा। एक चीज और बता दूं, पहले शुरुआत में,
क्योंकि उसके धर्म के साथ हस्तक्षेप हुआ था। मंगल कांडे सिर्फ एक कारण से लड़ाई लड़ा, क्योंकि उसके धर्म को आहत कर दिया गया, वो था ब्राह्मण पांडे आदमी। अब ब्राह्मण आदमी को सुअर और गाय की चर्बी खिला दो तो ठीक लगेगा उसे, है ना? वो तो एक अछूत को छू लेता था तो भी वो नहा देता था, फिर इसके बाद जाता था। उसको तो आपने चर्बी पूरी खिला दी। अंग्रेजों से पहले विश्वास किया, विश्वास उसको धर्म से निकाल दिया गया था, ब्राह्मण धर्म से उसको बहिष्कृत कर दिया गया उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति क्यों उस चीज को सहेगा? और वो फाइनली जो है 1857 की क्रांति का प्रणेता बना। तो 1857 की क्रांति का जो लक्ष्य था वो 31 मई को निर्धारित किया गया था। 31 मई 1857 को ये क्रांति होनी थी, ये हो गई 11 मई को, ठीक है? तो चूंकि ये क्रांति 31 मई को नहीं हो पाई, 11 मई को ही हुई, इसलिए ये शायद राष्ट्रवादी प्रयासों से दूर रह गई। शुरुआत छोटे जगह, मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचा, फिर कानपुर पहुंचा, फिर लखनऊ पहुंचा, फिर बरेली पहुंचा, फिर जाके पटना पहुंचा। मतलब हमने टुकड़ों में लड़ाई लड़ी ये वाली। ये एक साथ शुरू होनी थी, प्लानिंग ये थी टाटा टोपे और मंगल पांडे की, कि हम भारत में जहाँ भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में है वो अचानक से विद्रोह करेंगे। लेकिन वो कहानी सेट नहीं हो पाई, इस कारण से इस कहानी में राष्ट्रवाद की भावना जो होनी थी, मंगल पांडे की जो सोच थी कि हम एक साथ विद्रोह करेंगे और पूरे देश से अंग्रेजों को बहिष्कृत कर देंगे, निकाल देंगे इस देश से, वो कहानी नहीं हो पाई और ये आंदोलन असफल हो गया। तो राष्ट्रवाद जो यहाँ पे जन्मा, शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पे आगे चल करके वो विफल हो गया, ठीक है? फिर से 100 साल, कब आए थे? 1757 में, इससे पहले व्यापारी थे, बंगाल से शासक बनते हैं, 100 साल बाद क्रांति होती है, और उसके 90 साल बाद ये भारत में, भारत से जाते हैं, 90 साल और रह गए ये, सिर्फ छोटी सी गलती के कारण। सिर्फ कितने दिन का? 20। और UPPCS क्या करता है? है ना, एग्जाम होता है 21 अप्रैल को और लेता है 21 सितंबर को। तो आधे बच्चे जो रह जाते हैं वो 1857 की क्रांति के शिकार हो जाते हैं। ये क्रांति पहले हो गई, यदि बाद पहले तो 90 साल का शासन नहीं होता, इनका खत्म नहीं होता, मोटी मोटी समझो आप। तो 90 साल का जो शासन चला, इस अवधि में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन डेवलप हुआ। पहले तो एक राष्ट्रीय मंच का विकास किया गया, वो भी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने ही भारतीयों के लिए एक मंच बनाना चाहा। ए ह्यूम की ये सोच थी कि हम एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट करते हैं, एक ऐसी संस्था देते हैं, क्योंकि आम तौर पे क्या हो रहा था कि लगातार विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, लगातार रिवोल्ट हो रहे थे, कभी जनजातीय रिवोल्ट थे, कहीं कोई ना कोई विद्रोह हो ही रहा था भारतीयों के द्वारा, धर्म के नाम पे, किसी भी कल्चर के नाम पे। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा करते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जो इंस्टीट्यूशन क्या करे कि उसका प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेशन करे, और उसी के माध्यम से हमारे पास बात आए, कल के दिन यदि कोई बात होगी तो हम उसी के ऊपर फेंक देंगे कि भाई ये देखो आपका इंस्टीट्यूशन नहीं सुन रहा तो हम क्या करें, ये हमारे पास बात लाया ही नहीं। उन्होंने नहीं पता किया कि हम जिसको जन्म दे रहे हैं यही हमें मार देगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के द्वारा एक संस्था डेवलप की गई, एक राष्ट्रीय मंच तैयार किया गया, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इस संस्था के इर्द गिर्द घूमता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी संस्था के द्वारा लड़ा गया, इस संस्था के इर्द गिर्द घूमता, क्योंकि एक बड़े मंच के तौर पर यह था। क्या कांग्रेस ही एकमात्र संस्था थी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी? नहीं, भारत में बहुत सारी संस्थाएं थी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, जो कांग्रेस से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रखती थी, ठीक, चाहे वो क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हो। क्रांतिकारियों ने बहुत संस्थाएं बनाई, यहाँ पर नहीं थे वो, इंग्लैंड में इंडिया हाउस था, वहां पर भी वो लगे हुए थे, इंडिया हाउस में भी थे, इंडिया हाउस से गतिविधियां करते थे। मदन लाल ढींगरा का नाम सुना होगा आपने, मदन लाल ढींगरा बम्बई से, रूस से बम की टेक्नोलॉजी सीख के आए थे, और उन्होंने वहां पर इंग्लैंड में विस्फोट किया था। उधम सिंह जैसा व्यक्ति जब जनरल डायर के लिए मारने के लिए वहां गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारी गतिविधियां की, तो बहुत बड़े संगठन है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल भी थे, उनके द्वारा भी किया गया, किसानों के द्वारा भी आंदोलन किया गया, मजदूरों के द्वारा भी आंदोलन किया गया, स्त्रियों के द्वारा भी आंदोलन किया गया, चाहे वो कांग्रेस, मुसलमानों के द्वारा भी भारत की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन बाद में मुसलमानों के साथ दिक्कत ये हो गई कि कहीं ना कहीं पे उनको एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया। अब कोई कहे कि भाई मुसलमानों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये सबसे बड़ा व्यर्थ की बात है। क्यों? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान नहीं थे? क्या भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं थे? क्या उन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था? वो चुन के आए थे,
तो मुसलमानों ने वास्तव में लड़ाई लड़ी। क्या खान अब्दुल गफ्फार खान मुसलमान नहीं थे? तो मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के साथ रहे या कांग्रेस के बाहर रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कांग्रेस एक संस्था थी जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इसके बड़े स्तर पे इसके कार्यकर्ता बनते गए और आगे चल के ये एक बड़ी संस्था के रूप में डेवलप होती है। ठीक है, इसके कई चरण हैं, कई चरणों को हम देखेंगे। 1885 में क्रिएट हुई, 28 दिसंबर के दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी। 1885 से लेकर 1905 तक पहला चरण रहता है इसका, इसको बोलते हैं उदारवादी चरण। यानी कि पहले अंग्रेजों से हमने एक डिमांड ये की कि आप ऐसा करिए कि हमारे फंडामेंटल राइट कुछ क्रिएट कीजिए, हमें कुछ अधिकार दीजिए ताकि हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीना प्रारंभ करें। लेकिन इन्होंने नहीं किया ये याचना। इनको लगता था उदारवादियों को कि सिर्फ संवैधानिक डिमांड की जाए, संविधान के आधार पर देश को चलाया जाए, और संविधान के आधार पर देश को चलाएंगे तो शायद भारत जो है, भारत में बहुत जल्द जो है अंग्रेजों जैसी व्यवस्था यहाँ भी डेवलप हो जाएगी, इंग्लैंड जैसी, वहाँ जैसा डेवलपमेंट यहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पे 1885 से 1905, जैसे अभी आप लोग गुणगान करते रहते हो ना, अमेरिका अमेरिका, चाइना चाइना, वैसे उस समय ब्रिटेन ब्रिटेन का गुणगान हो रहा था, क्योंकि उनका उनका टाइम पीरियड था और ये लोग गोरे लोग शासन कर रहे थे, तो बड़ा गर्व होता था हमें कि हमारे यहाँ पे गोरे लोग हैं। आज आप लोग सोच रहे हो ना कि एप्पल जैसी कंपनियाँ भारत में आ जाएं, आकर के यहाँ पे रोजगार क्रिएट करें, है ना। वैसे ही ये कंपनी आई थी और आकर के इन्होंने औपनिवेशिक, क्योंकि यहाँ मौका मिल गया उनको, उनको तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो भारत एक संवैधानिक देश है, लेकिन तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया, भारत को गुलाम बनाया। तो 1905 से ये अवधि थी जब भारत को संवैधानिक लोकतंत्र की मांग की जा रही थी उदारवादियों के द्वारा। बहुत सारे लोग थे इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, बहुत बड़ी संख्या थी यहाँ पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये लोग थे। इसके बाद आगे चल के एक रूप बदलता है इनका, थोड़ा सा डिमांड चेंज हो जाती है, 1919 तक की डिमांड रहती है ये। इस अवधि को बोलते हैं उग्रवादी चरण, कांग्रेस का उग्रवादी चरण, जहाँ पे कांग्रेस की डिमांड चेंज हो जाती है। कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, मुझे मेरा शासन वापस लौटो, मैं आपके अंदर काम नहीं करूँगा, ठीक है, ये मुझे मेरा शासन वापस मिलना चाहिए। और ये देखने को मिलता है कांग्रेस के उग्रवादी चरण में, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसमें आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये कोई बहुत सक्सेसफुल चरण नहीं था। इसमें तो कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई, सूरत में विभाजन हो गया, और ये विभाजन तब तक रहा जब तक नया चरण नहीं चालू हो गया, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चरण बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों को एक चीज़ बता दिया कि कांग्रेस के सुर बदल गए हैं, पहले के सुर कुछ और थे, अब के सुर कुछ और हैं, पहले ये बैठने की बात कर रहे थे, अब लेटने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उग्रवादी चरण में कुछ नए प्रकार के लीडर्स आए, चाहे भगवंत तिलक रहे हों, उग्रवादी स्वभाव के थे ही, चाहे विपिन चंद्रपाल रहे हों, चाहे लाला लाजपत राय रहे हों, है ना, ये महान हस्तियां थीं जिन्होंने इस चरण को लीड किया, लेकिन इसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं रहा इस अवधि में। तो बेचारे तिलक तो यहां थे ही नहीं, तिलक तो चले गए मंडाले जेल, बर्मा में पड़े थे वो, 6 साल तक जेल काट के आए, जब मंडाले से लौट के आए तब यहाँ पे होम रूल लीग चालू किया उन्होंने, ठीक है, भारतीय शांति का जनक कह दिया गया उनको कि यही बंदा है, यही है वो आदमी जिसने भारत में कोहराम मचा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे उग्रवादी चरण जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चरण दिखता नहीं है, लेकिन हाँ अंग्रेजों पे इसने प्रभाव जरूर जमाया। क्यों क्यों ये सक्सेसफुल चरण नहीं है, क्योंकि आपस में ही मतभेद है, आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था संस्था के अंदर, आपस में ही लड़े भिड़े पड़े थे, आपस में ही कुर्सियाँ उठा के एक दूसरे को मार रहे थे, तो काहे का सक्सेसफुल चरण होगा, है ना। उदारवादी कहते हैं नहीं हमारी डिमांड होगी, उग्रवादी कहते हैं नहीं मेरा अध्यक्ष होगा, इसी में लड़ाई लड़ रहे हो अध्यक्षता बनाने में, है ना। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे इशू यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस चरण में अंग्रेजों को कुछ मैसेज गया, बड़ा मैसेज गया। और तीसरा चरण उस आदमी के आगमन से हुआ जो साउथ अफ्रीका से भारत आया था 9 जनवरी 1915 को, जिनका नाम महात्मा गांधी है। वो आदमी एक अलग प्रकार के अस्त्र लेकर आया। गांधी बड़े अवसरवादी आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। गांधी को लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उन्हें नहीं पता ना कि गांधी बहुत जरूरी आदमी है, हर जगह पे वो इतनी टेक्निक्स क्रिएट करते थे, उन्हें पता था कि अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हमारे अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी चीज़ें नहीं है, इसलिए दुश्मन को कैसे हराना है गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता था। तो गांधी ने ऐसी टेक्निक्स उपाय उठाई जिसको अंग्रेजों के पास उसका जवाब नहीं था। उन्हें पता था कि भारत की
ये जनता जो है आक्रोशित जनता है, इसको मैं यदि अहिंसा का अस्त्र दे दूंगा तो यहाँ पे कंडीशंस बहुत बुरी हो जाएंगी और वैश्विक दृष्टि में हम एक अपराधी देश के तौर पे निकल के सामने आ जाएंगे। इसलिए भारत को आज़ाद ऐसे नहीं कराना है। भारत को आज़ाद कराने का उन्होंने एक नया माध्यम, सत्याग्रह का माध्यम, अहिंसा का माध्यम, असहयोग का माध्यम, सविनय अवज्ञा का माध्यम, ये सारे माध्यम उठा कर लाए। उन्हें पता था कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है, ऐसी सोसाइटी है जो विखंडित है। यहाँ पे ना तो महिलाओं को अधिकार दिए गए, ना यहाँ तो अछूतों को अधिकार दिए गए। वर्ण व्यवस्था के तौर पे पूरा टूटा हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ समझ के बैठे हुए हैं और वो किसी को अधिकार देना भी नहीं चाहते। तो एक कुत्सित ब्राह्मणवादी विचारधारा भारतीय समाज में उस समय थी और वो विचारधारा ने भारतीय समाज को विखंडित कर रखा था। समाज का एक वर्गीय एक क्या 70-80% आबादी ऐसे ही थी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे गांधी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1947 तक एक नए प्रयोगों के साथ आंदोलन चलाया जिसे गांधीवादी इरा के नाम पे जानते हैं। और इसमें गांधी ने 3 बड़े बड़े मूवमेंट किए और कई छोटे मूवमेंट भी किए। एक मूवमेंट उग्रवादियों के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था 1905 में, जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन के खिलाफ था वो। और यहीं से लोगों को समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो है भारतीयों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले, ये तो भारत को और तोड़ तोड़ करके और कमजोर और खोखला बना देंगे। तो गांधीवादी इरा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए गांधी को एक बड़ा रोल दिया जाता है। बहुत लोग गांधी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे विवाद हैं गांधी को लेकर, बहुत सारी बातें हैं कि गांधी ने देश को ये कर दिया वो कर दिया, है ना, आज कश्मीर हमारे पास होता, आज ये होता वो होता। दरअसल हम उस समय की परिस्थितियों में नहीं जी रहे हैं। आज हम ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे भारत एक सबल राष्ट्र है, ना। गांधी तो औपनिवेशिक शोषण के टाइम पीरियड के लीडर थे, वो इस समय के लीडर नहीं थे ना, जिसके पास संविधान है, जिस देश के पास संविधान, उस देश के लीडर थे वो। आज हम ये बातें इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास एक बड़ी सेना है, हमारे पास एक आधुनिक सशस्त्र है, आज हमारे पास एक अच्छी इकोनॉमी है। गांधी जिस समय थे उस समय लोग शिक्षित कितने परसेंट थे, उस समय देश की इकोनॉमी का कभी मैं बताऊंगा 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। क्या होती 20 रुपये में, किस चीज के लिए तैयार था भारत जब गांधी थे। तो कांग्रेस, अब कश्मीर का जो इशू है वो अलग इशू है, लेकिन गांधी को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि गांधी ने जैसे देश की लड़ाई में योगदान न दिया हो, देश को गुलाम बना दिया हो, गुलाम बनाने में गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा हो, ऐसा भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं कह रहा, आज हमारे राष्ट्रपिता हैं देश में, आज उनका महत्व है, हर चीज़ को लेकर उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की विचारधाराएँ कुछ ऐसी हैं। और होता है आमतौर पर जो बड़ा होता है, बड़ा नाम होता है, वही बदनाम किया जाता है, ठीक है। यदि नाम गांधी बड़ा नाम नहीं होता तो क्यों बदनाम किया जाता। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह की फांसी रुकवा देते, क्या गांधी ने प्रयास नहीं किया था भगत सिंह के लिए। कुछ लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और ये संस्थाओं से, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए मजबूर किया, सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गांधी ने। ऐसा नहीं था, गांधी और सुभाष से बहुत एकता थी, लेकिन उनके साधन अलग थे। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी बल देते थे। गांधी कहते थे साध्य पवित्र है, ठीक है, लेकिन साधन भी पवित्र होना चाहिए। मार्क्स ये चीज नहीं मानता, मार्क्स कहता था साधन कुछ भी हो साध्य अच्छा होना चाहिए। तो गांधी चाहते कि लक्ष्य आपका अच्छा है, लक्ष्य आपका आजादी है, लेकिन आजादी ऐसे लोगे। सुभाष की बात करें यदि, हाँ ये क्रांतिकारी नहीं है, ठीक है। उग्रवाद का मतलब है यहाँ की विचारधारा में थोड़ा सा टिल्ट होना, क्रांतिकारी अलग लोग हैं, ठीक है। क्रांतिकारी को उग्रवाद में मत लाइएगा। सुभाष चंद्र बोस उग्रवाद में नहीं आते, वो गांधीवादी विचारधारा के टाइम पीरियड के लीडर हैं, ठीक है। उग्रवाद में लाल बाल पाल थे जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस एक टूटी फूटी संस्था बन गई थी, कुछ पता ही नहीं था कि कौन कहाँ है इस अवधि में। ये उग्रवाद क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारियों को उग्रवादी मत। ये कांग्रेस के अंदर का 3 चरण है, ठीक है। उग्रवाद का मतलब है विचारधारात्मक रूप से परिवर्तन होना, इस विचारों से, उदार विचारों से थोड़ा सा विचार उग्र हो जाना। जहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र की मांग थी, संवैधानिक अधिकारों की मांग थी, वहीं पर वो देश स्वराज्य की मांग करने लगता है। तो गांधी देश को आजाद, देखो मैं नहीं कह रहा उनकी भी, सबका योगदान है यहाँ पे, यहाँ पे गांधी भर का योगदान नहीं है। गांधी का तरीका कैसा था मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो ये गांधी भक्त आ गए, मैं गांधी भक्त हूँ भी और नहीं भी हूँ। कुछ बातों को लेकर गांधी जी से भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, और कुछ बातों से लेकर के सुभाष से भी प्रश्न है। सुभाष से जैसे पहला प्रश्न, उस समय सुभाष ने गांधी से कहा कि देखो इस समय दुश्मन क्या है, दुश्मन इस समय विपत्ति में है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया है, मौका है, वार करो।
और वार करने के लिए जर्मनी से सहयोग लो, हिटलर तैयार खड़ा है, मुसोलिनी से सहयोग लो, जापान से सहयोग ले। गांधी ने कहा नहीं, जब दुश्मन विपत्ति में हो तब उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए, हम उसका सहयोग भी नहीं करेंगे, हम उसको दूसरी तरीके से तोड़ेंगे। लेकिन सुभाष ने क्या किया, जर्मनी चले गए। थोड़ा सा सोचिए, मैं नहीं कह रहा सुभाष का उद्देश्य बहुत अच्छा था और देश की आज़ादी के लिए जो सुभाष ने किया वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी सोचिए कि यदि धोखे से भी ब्रिटेन की जगह जर्मनी का शासन हो जाता भारत में तो कितना गलत होता। क्या हिटलर एक अच्छा आदमी था? हिटलर से ज़्यादा दुर्दांत उस पूरे आज की सदी में उतना दुर्दांत व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ जिसने एक बड़ी आबादी को ऐसे ही मरवा दिया हो। मैंने तो हिटलर पढ़ाया आप लोगों को कि नाजीवादी विचारधारा कोई अच्छी विचारधारा नहीं थी, ये विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जो मानवता के सख्त खिलाफ थी। तो आप हिटलर के पास चले गए, आप मुसोलिनी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुभाष जैसा व्यक्ति ऐसा पर्सनालिटी है कि जिसने अपने दम पे एक सेना क्रिएट कर दी, फौज क्रिएट कर दी। मान लो स्वतंत्र भारत की लड़ाई का अग्रदूत वो रहता और आज़ादी के बाद वो रहते और रहने के बाद वो भारत में कोई पद में रहते तो समझो देश कितना आगे जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पे गांधी उनसे विरोध जताते हैं, लेकिन गांधी और सुभाष के बीच में कोई विरोध नहीं था। ये दिमाग में बैठा लो, सुभाष ने कहा था कि आज राष्ट्रपिता के नेतृत्व में, पहली बार राष्ट्रपिता शब्द सुभाष ने ही दिया था और जब जर्मनी थे वहां पर ही उन्होंने मैसेज दिया था कि अब राष्ट्रपिता के नेतृत्व में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, पूरा देश अब उठ खड़ा होगा और आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा। तो गांधी और सुभाष में कोई मतभेद नहीं थे, बस बात ये थी साधन और साध्य की। ये एक छोटी सी कहानी थी, दोनों के उद्देश्य देश को आज़ाद कराना ही था और दोनों ने ये काम किया भी, ठीक है। तो सुभाष का उतना ही योगदान है जितना योगदान गांधी का है, मैं नहीं कह रहा। भगत सिंह का उतना ही हो, एक 21 साल का लड़का क्यों फांसी में लटकेगा भाई, क्या उसका जाता है, उसके घर में कौन सी वो विपत्ति पड़ी थी, दुनिया चल रही थी वो भी चलता रहता, लेकिन उसका योगदान है। सुभाष ने बहुत बड़ी टीम क्रिएट की, सुभाष ने या भगत सिंह ने, चाहे आज़ाद रहे हों चाहे जो भी रहे हों, तो सबका योगदान है, इसको लेकर के हम कभी भी वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन गांधी के जो तरीके हैं, जो तीन मूवमेंट है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों को ये चीज़ सोचने के लिए उन्होंने मजबूत कर दिया कि अब कैसे इसके खिलाफ एक्शन ले। क्रांतिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना उनके लिए आसान था, बंदूक लेके पहुंच जाते थे, लेकिन गांधी के खिलाफ कैसे एक्शन ले ये सोचने में वो मजबूर हो गए। इस कारण से गांधी का बड़ा योगदान माना जाता है। गांधी जब छोटी सी हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन पूरा रद्द कर देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, नहीं चाहते तो कंटिन्यूस रखते, हिंसा की बौछार होने लगती भाई। एक हिंसा, गलती एक रुपए की चोरी हो चाहे एक लाख की चोरी हो, चोरी चोरी होती है, एक व्यक्ति मरे या 1000 लोग मरे, लेकिन हिंसा हिंसा होती है, ठीक है। हिंसा की परिभाषा आप ऐसे नहीं नाप सकते कि कहीं एक जगह पे 22 लोग मर गए तो आप पूरे देश का आंदोलन बंद करा देंगे। आज 22 मरे कल 2000 भी मरेंगे उसकी गारंटी लेंगे आप, है ना। तो गांधी ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सैद्धांतिक व्यक्ति था। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी ने सविनय अवज्ञा किया, गांधी ने भारत छोड़ो किया। अब गांधी से बड़ा क्रांतिकारी आदमी कौन होगा। गांधी कहते हैं यदि मेरे अधिकार नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे कामों में असहयोग कर दूंगा, तुम्हारे वस्त्र नहीं पहने जाएंगे भारत में, हम स्वदेशी करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये क्रांतिकारी विचार नहीं लगते आपको? गांधी कहते हैं यदि कानूनों में डिस्क्रिमिनेशन रखोगे तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे, हम नहीं आपके कानूनों को मानेंगे, हम खुद नमक बनाएंगे। नमक के कानून को तोड़ दिया उन्होंने। तो गांधी से बड़ा क्रांतिकारी आदमी कोई था ही नहीं, सबसे बड़ा क्रांतिकारी। लेकिन गांधी बहुत टेक्निकल आदमी थे, दिमाग से सातिर थे, उन्हें पता था कि लड़ाई लड़नी कैसे है। वो बैठ जाते थे ना अमरण अनशन में तो अच्छे अच्छों की नींव हिल जाती थी, ब्रिटेन तक बात जाती थी एक अमरण अनशन से। ये बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम पे, आप खुद देखिए इससे बड़ा हथियार कुछ हो सकता है? हिंसा से आप क्या करोगे, राज्य से लड़ पाओगे आप? आज माओवादी नक्सलवादी ये सब लड़ रहे हैं तो आप इनको सही करार दे दीजिए कि भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इनको सही करार दो। मैं नहीं कह रहा कि देश के क्रांतिकारी गलत थे, ये नहीं कह रहा, लेकिन गांधीवादी रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है, इससे बेहतर रास्ता कुछ नहीं हो सकता। राज्य के खिलाफ कोई लड़ सकता है बताइए? राज्य से बड़ी पावर किसी के पास नहीं होती है, राज्य के पास सब कुछ है, राज्य के पास सारे राइट्स हैं। तो गांधी राज्य से सीधा नहीं टकराना चाहते थे, उस समय राज्य ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत का परचम पूरे विश्व में लहराता था, कहाँ नहीं थी ब्रिटिश हुकूमत। तो गांधी इस बात की अवसरवादिता को जानते थे और क्रांतिकारियों को भी। अब कोई कहता है भगत सिंह को नहीं बचाया, नहीं, गांधी इरविन समझौता में उन्होंने ये तर्क रखा था, लेकिन गांधी को हमेशा इस बात को लेकर दबा दिया जा रहा था कि क्या आप हिंसा का सहारा देते हैं, हिंसा का साथ देते हैं, आप ढोंग रचाते हैं। और गांधी के बहुत सारे प्रयासों के बाद भी गांधी इरविन समझौता सफल हो गया, गांधी भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए। ये सत्य है, गांधी ने प्रयास किया था भगत सिंह की फांसी रुकवाने का,
लेकिन एक ऐसी गतिविधि में संलिप्त थे भगत सिंह जिसमें गांधी के प्रयासों के बावजूद भी नहीं हो पाए, समझ रहे हैं। और उस समय की जरूरत थी गांधी इरविन समझौता। वैसे गांधी इरविन समझौता में गांधी हारे ही, ऐसा ही बोला जाता है कि गांधी ने उस समझौते से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीयों के लिए नहीं प्राप्त की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जहां पे भारतीयों क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डंडी लेकर दौड़ते दौड़ते गए, फिर दौड़ते दौड़ते लौट आए, जब देखे वहां कुछ नहीं, कुछ बात नहीं रखी जा रही, जो जिस चीज के लिए समझौता हुआ था, जिस चीज के लिए कांग्रेस सम्मिलित हुई थी, कोई भी चारों को नहीं मान रहे, गांधी छोड़ छाड़ के चले आए। तो मुद्दा इस बात का है कि कहीं ना कहीं पे आप हम लोग गांधी को सही तरीके समझ नहीं पाए, रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा सही तरीके से, किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या क्रांतिकारियों को सही से नहीं समझ पाए। आज देश की आज़ाद सांस लेने में सबका योगदान है, पहले तो दिमाग में ये बात बैठाना है, इसी बात को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब चीज़ें आपकी सिलेबस में है। तो गांधी के तीन मूवमेंट ये क्रम से आप पढ़ोगे, ठीक। लेकिन अब बात यह कि 1947 में जब भारत छोड़ो हुआ 1942 में, तो भारत की आज़ादी 1947 में क्यों हुई, 5 साल का डिले कौन सी क्रांति कराती है, कौन सा आंदोलन है भाई जो 5 साल का टाइम ले, और वो भी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें कोई भी आश्वासन नहीं अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कि आपको हम संविधान बनाने की अनुमति देते हैं या फिर आपको हम भारत को आज़ाद कर देंगे, कोई उन्होंने बात नहीं कही और दमन करने का प्रयास किया। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व कम हो जाता है, या 1947 का जो भारत का आज़ादी का दिन है इसमें क्या, इसके बीच में क्या इशू हैं, बताइए कुछ आपको ये चीज़ें यदि समझ में हो तो बताइए, इस पे चर्चा करते हैं। आंदोलन 42 में हो रहा है, आज़ादी 47 में मिल रही है, तो इस आंदोलन का महत्व क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का, हाँ दो लफ्ज किसी के भी, नो कमेंट्स। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रोल रहा। यदि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो मुझे लगता है भारत और लंबा चल जाता, और लंबा खींच जाता। हाँ हाँ टोपी पहनाते रहते और हम पहनते रहते, टोपी खरीदते रहते। टोपी की बात मत किया कीजिए, टोपी से मुझे भी कुछ याद आ जाता है, ठीक है। तो 1947 इस अवधि के बीच में गैप, इस अवधि के बीच में 1945, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने 3-4 काम किए। पहली बात, यूनाइटेड नेशन को जन्म दे दिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का मूल उद्देश्य यही था कि तीसरा वर्ल्ड वार ना हो पाए, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वार तभी नहीं होगा जब दो विचारधाराएं खत्म हो जाएंगी, पहली है साम्राज्यवादी, दूसरी उपनिवेशवादी। ये दोनों विचारधाराएं जब खत्म होंगी, जब हम एक भूमि, एक कोई देश दूसरे भूमि के टुकड़े के ऊपर नहीं लड़ेगा, तो शायद तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि संपत्ति ही लड़ाई की जड़ होती है, दोनों विश्व युद्धों में देखा गया था। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, दुनिया भर के विचारों को लेकर वो संस्था उपजी और उसने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना चालू किया कि आप एक ऐसे देश हो जिसने सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कब्जा किया है, अपनी भूमि को स्वतंत्र कराना शुरू करो। लेकिन क्या इससे इसका महत्व कम हो जाता, इसने भी दबाव बनाया भारत छोड़ो आंदोलन ने, इसने पहली बार भारतीय जनमानस के अंदर ये भर दिया, पहले नाम ही क्या, भारत छोड़ो। अंग्रेजों को एक मैसेज मिल चुका था कि अब भारतीय भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के इतर और कुछ नहीं लेकर मानेंगे, जो बार बार लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे अब वो लॉलीपॉप से नहीं मानेगा, उसे पूरा डब्बा चाहिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है फाइनली कहीं ना कहीं पे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का इम्पैक्ट यहां पर दबाव बनाना शुरू करता है, और भारत जैसा, और इसमें नेहरू की विदेश नीति ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। 1964 तक जिस तरीके से एक असफलता रही उस बंदे की, वो असफलता 1962 का भारत चाइना वार, इसके अलावा नेहरू कहीं भी असफल नहीं हुए। नेहरू ने पूरे भारत को लीड किया गुट निरपेक्ष आंदोलन के तौर पे। तो फाइनली कहीं ना कहीं पे 1945 का जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके कारण से बहुत सारे देशों का दबाव बनाया जाना ब्रिटेन के ऊपर, और इसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज का दबाव बनाया जाना। आज़ाद हिंद फौज दब गई क्योंकि जापान हार गया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं हो गई, नहीं तो आज़ाद हिंद फौज तो पूरी तरीके से दिल्ली चलो के नारे पे थी, है ना, वहाँ से सीधा दिल्ली चलो, चले आ रहे थे दिल्ली,
म्यांमार के अंदर से रौनते हुए नॉर्थ ईस्ट से होते हुए दिल्ली पे आज़ाद हिंद सरकार जो है यहाँ पे भारत सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन फाइनली जापान का सपोर्ट ख़त्म हो गया और सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहीं से पता चलने लगा कि सुभाष अब नहीं रहे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, ठीक है, वो घटना के बारे में हम नहीं जानते। तो 1945 का जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़, शिमला समझौता हुआ था, लेकिन इस समय एक समस्या आ गई थी, पाकिस्तान जैसा नया देश का उदय, पाकिस्तान बड़े पीछे पड़ गए जिना साहब। दरअसल जिना साहब के साथ दिक्कत थी, दिक्कत ये हो गई कि जिना साहब ने वादा कर दिया अपनी कम्युनिटी से कि मैं आपको एक नया देश दूंगा। जिना को पता था कि ये बहुत गलत है, जिना भी अंदर से जानते थे, लेकिन अपने वादे से, कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या होता है, जिना एक पॉलिटिशियन है और कुछ नहीं है, जिना ने अपने कौम को रिप्रेजेंट किया ये झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा कौम भारत में भी रह गई। कौन कहता है, पूरे मुसलमान भारत से कभी नहीं गए, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आज भारत में हैं और भारत के, भारत देश को लेकर के वो लड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जिना को ये चीज़ भ्रम था और पॉलिटिशियन था। पॉलिटिक्स में कभी कभी ये होता है कि आप भाषणबाजी में कभी कभी ऐसे वादे कर जाते हो जो आपकी मजबूरी बन जाती है, फिर आपको करने ही पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं किसी भी कीमत पे, चाहे फिर आपको डायरेक्ट एक्शन डे ही क्यों ना लेना हो। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, काला धब्बा भारतीय इतिहास में जिना के द्वारा शुरू कराया गया, कत्लेआम हुआ बड़े स्तर पे, नोआखली ये जो कलकत्ता वाला इलाका है, पंजाब में बड़े स्तर पे कत्लेआम हुआ। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि भारत का विभाजन, और इसमें अंग्रेजों के द्वारा भी बहुत सारी, मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुनाता था कि लॉर्ड माउंटबेटन को एक मोहरा बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ऐसा पर्सन था, युवा था पहली बात, और उसको एक स्पेस, उसके पास एक स्पेसिफिक पावर थी। क्या पावर थी, वो जब भी कोई देश स्वतंत्र करता था ब्रिटेन, तो उसी को भेजा जाता था। इससे पहले जब बर्मा को सत्ता लौटाई गई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही भेजा गया था, और इसके पहले और कई सारी कंट्रियों में लॉर्ड माउंटबेटन गए थे और वहाँ पे स्वतंत्र सत्ता का हस्तांतरण करके आए थे। तो भारत भी उन्हें भेजा गया कि आप भारत जाइए, भारत को आज़ाद करके आइए, डील है आपकी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन महज एक मोहरा थे, लॉर्ड माउंटबेटन को ये चीज़ नहीं पता थी कि उनके साथ गेम खेला जाएगा भारत में, और वास्तव में यहाँ पर गेम खेल दिया गया उनके साथ। गेम क्या खेला गया, दरअसल ये कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बातें लिखी हैं, चाहे उपनिवेशिक इतिहासकार हों, वामपंथियों में भी ये बातें आई हैं। उन्होंने कहा है कि ये डील पहले हो चुकी थी, नाम सुना होगा आपने विंस्टन चर्चिल का, ठीक है, विंस्टन चर्चिल और जिना साहब के बीच में डील हो चुकी थी कि आप परेशान मत होइए, हम आपको एक नया देश देंगे आपकी कौम के लिए। रीज़न क्या था, इसके पीछे का कारण एक था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का कमज़ोर हो जाना, और ब्रिटेन को ये लग रहा था कि यदि एक हम मुस्लिम कम्युनिटी का देश भारत को काट के बना देंगे तो शायद ये जो तेल कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं, गल्फ कंट्री हैं, यहाँ पर हमारा एक विश्वास बन जाएगा, इनका विश्वास हम जीत लेंगे, इस कौम का विश्वास जीत लेंगे। तो विंस्टन चर्चिल ने जिना से कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी पॉलिसी में ऐसा है कि हम आपको एक नया देश दे के जाएंगे। तो जिना को भी पता था कि पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उनको उनके साथ वादा किया गया है। और जब यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आए, लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से भारत का विभाजन ना हो, लेकिन मजबूरी में उस बंदे को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लाना पड़ा, क्योंकि उनको लग गया था कि अब भारत जैसे देश में कोई सुनने को तैयार नहीं था उनकी, ना कांग्रेस जैसी संस्था सुनने को तैयार थी। यहाँ पे गांधी कहते थे, गांधी भर एक आदमी था, गांधी कह रहे थे कि नहीं विभाजन नहीं होगा, मेरी लाश के ऊपर से विभाजन कर देना, जब मैं मर जाऊँ तो विभाजन करके देश को बांट लेना चलेगा। पटेल कहते थे कि नहीं बापू, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब आप ऐसा करो सर, अब जैसे शरीर में कैंसर लग जाता है ना, वैसे एक कैंसर लग चुका है पूरे देश के अंदर, इस कैंसर को अब काट के निकाल देते हैं, इस पूरे पूरे अंग को, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है। गांधी कहते थे नहीं, आप जिना को बनाओ, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा इस बात का था कि भारत की इतनी बड़ी हिंदू आबादी थी, बड़ी संख्या में हिंदू थे भारत में, क्या वो एक्सेप्ट करते जिना का प्रधानमंत्री बनना, ये क्वेश्चन मार्क भी था, और क्या यदि जिना प्रधानमंत्री बनते तो क्या भारत एक सेकुलर कंट्री बनता, ये क्वेश्चन भी बार बार गांधी से किया जा रहा था कि इसकी गारंटी ले लो कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बनेगा, संविधान में लिखा जाएगा कि भारत एक धर्म, यहां पे किसी प्रकार से। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको लेकर के गांधी के पास भी उत्तर नहीं थे, क्योंकि भाई जिना उनकी सुनी नहीं रहे थे, जिना तो कह रहे थे भाई बापू आप निपटो कल, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो देश चाहिए, और चूंकि आप ही कह रहे हो कि मेरे मरने के बाद ही देश बनेगा तो आप जल्दी निपटो, ठीक है, शायद आपके मरने के बाद ये लोग जल्दी मान जाएं।
लेकिन नेहरू और बाकी का कांग्रेस समझ चुका था कि अब जरूर अब यदि हम इस गांधी को, कई बार एक मीटिंग हुई थी जिसमें गांधी बैठे थे, गांधी ने अपना प्रस्ताव रखा, मना कर दिया, पटेल ने साफ मना कर दिया कि अब बापू को बुरा लगने ही दो, इनके बुराई से चीज़ें नहीं चलती हैं। और फाइनली इसी चीज़ को लेकर लोग क्रिटिसाइज करते, अब गांधी की मंशा यहाँ पे क्या गलत थी? देश को यदि वो एक रखना चाहते थे तो उनकी मंशा गलत थी। गांधी से यहाँ एक छोटी सी बात हुई थी, उसकी भी चर्चा मैं अभी करूँगा, कि उन्होंने एक आमरण अनशन किया था पाकिस्तान के लिए कुछ पैसों को लेकर के। भारत को जब विभाजन हुआ तो विभाजन कैसे हुआ था पता है आपको? वायसराय हाउस का एक एक चम्मच बांटा गया था, दो चम्मच पाकिस्तान जाएंगे, दो चम्मच भारत रहेंगे, चार थालियाँ पाकिस्तान, चार थालियाँ यहाँ, ऐसे विभाजन हुआ था। हर चीज़ का विभाजन हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो यहाँ से वहाँ न गई हो। रेलें इतनी जाएंगी, पटरियाँ इतनी रहेंगी, ये यहाँ जाए, एक एक संसाधन का ऐसे विभाजन हुआ था। तो फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया। प्लान में क्या था? उस बंदे ने एक बार, ऐसे ही मैं आप लोगों को ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, नेहरू गए बेटन के पास, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि नेहरू और बेटन की बहुत बनती थी, या बेटन की मैडम से नेहरू की बहुत बनती थी, वो जो भी मुद्दा हो हमें नहीं मतलब। लेकिन नेहरू और बेटन दोनों बैठे थे, बैठते बैठते अचानक से बेटन ने कहा कि यार हम जाने वाले हैं, भारत से पक गए हैं। चाय पी रहे थे नेहरू उस समय आराम से बैठे हुए, बोले कहाँ, यहाँ तो बड़ी रबदस मची हुई है, परेशान है, देश की पब्लिक परेशान है, सब परेशान है, आप कह रहे हो आप जाने वाले हो। बोले अब हम निकल जाएंगे यहाँ से चुपचाप, आप लोगों को बताएंगे भी नहीं, हमारे जहाज़ तैयार हैं। तो ये कन्वर्सेशन जब हुई तो नेहरू को अजीब लगा, ये खुल के नहीं बताया उन्होंने। अब वो चाय ही पी रहे थे कि चाय की जगह कुछ और थी, है ना, क्योंकि आदमी उस अवस्था में ज़्यादा अच्छा बोलता है, हो सकता है कुछ और रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को चाय बता रहा हूँ। तो अब वो पूरी कहानी वहाँ से थोड़ी थोड़ी निकल के आई। नेहरू को ये चीज़ जब भनक लगी तो नेहरू ने आके कांग्रेस के पटल पर बताया कि भाई अंग्रेज जाने वाले हैं और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आने वाला है, 3 जून को ये प्लान आ जाएगा। आपको भी इस चीज़ का आश्चर्य होगा कि ये चीज़, चूँकि वहाँ प्लानिंग पूरी बन चुकी थी, बेटन को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या गेम खेला जा रहा है। जैसे ही वो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लेकर यहाँ से निकला, ब्रिटेन पहुँचा, ब्रिटेन की संसद ने 1 घंटे के अंदर उसमें अनुमति प्रदान कर दी। जिस दिन गए उसी दिन अनुमति, बिल्कुल ओके, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच रखा है आपने। जैसे ही उस प्लान को, और ब्रिटेन की बाहुबली, उसको हीरो बना दिया कि अरे बहुत अच्छा प्लान लेके आए आप तो, अरे भाई कम से कम पढ़े लेते आप लोग तब तो अच्छा लगता, ठीक है। और उस प्लान को, क्योंकि पूरी प्लानिंग थी, रेडक्लिप को भेज दिया। जब यहाँ भारत में पता चला कि अब भारत को अंग्रेज ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी अवस्था में, जैसे मान लीजिए अभी क्लास में क्या हो, अचानक से कुछ अव्यवस्था फैल जाए, ठीक है, अव्यवस्था को चूँकि संचालित मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था बनी है, आप लोग बैठे हो सही तरीके से सब लोग, है ना, तो अचानक से मैं ही छोड़ छाड़ के चला जाऊँ कि जो करना है करो, तो अब आप लोग और भिड़ गए, 2 गुटों में लड़ाई हो जाए मान लो आप लोगों में, और मैं छोड़ के निकल जाऊँ कि जो करना है करो, मार पीट लो, तब तो आप लोग और आक्रोशित हो जाए और बुरा हाल। तो अंग्रेज एक ऐसी कंपनी यहाँ पे बैठे हुए थे इंस्टीट्यूशन के तौर पे, जिनके पास सेना थी, जिनके पास प्रशिक्षित सेना थी, जिनके पास एक इंटरनेशनल दबाव था, जिनके पास सब कुछ था, एक तकनीकी थी, वो सत्ता हस्तांतरित करके नहीं जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे रातों रात। जैसे आपके घर में कलह मची हो, आपके पिताजी रात को भाग लें कि भाई अब जो देखना है देखो, मेरे से नहीं हो पा रहा तुम लोगों की, तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि संपत्ति का मालिक तो फादर था। तो आपने सत्ता को हस्तांतरित नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, प्लान ये बना लिया कि अब चुपचाप आप निपट लेंगे, यहाँ से भाग लेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान यही तो था, और क्या था, कि भारत में जो जैसी स्थिति में है वैसे हम निकलने वाले हैं। तो फाइनली भारत के विभाजन का प्लान बनाया उसने कि अब भारत विभाजित होगा, और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान को हमने एक्सेप्ट किया मजबूरी में, नहीं तो भारत में कभी भी विभाजन के पक्ष में ना कांग्रेस रही, ना गांधी रहे, ना कोई रहे। पटेल की मजबूरी थी कि विभाजन को उन्होंने चुना, वो दर्द था, ठीक है। और विभाजन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, लोग तो आज़ादी का जश्न मना रहे थे 15 अगस्त को, लेकिन कांग्रेस जैसी संस्था में गांधी ने जश्न भी नहीं मनाया। गांधी ने कहा जश्न मनाने वाला दिन आज है ही नहीं, जाके देखो बंगाल में कितने मरे पड़े हैं, पंजाब में देखो कितने महिलाओं के बलात्कार हुए पड़े हैं, कितने महिलाओं को मार दिया जा रहा है, ट्रेनें आ रही हैं लद लद के, जहाँ पे लाशें लदी हुई हैं, ऐसे माहौल पे आज़ादी का जश्न मनाए। 15 अगस्त का दिन जश्न मनाने का दिन आज है, क्योंकि आज हम एक संवैधानिक देश हैं, लेकिन उस समय नहीं था। कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के परिवार खत्म हो गए, कितने घर आधे हो गए, कहीं महिलाएं नहीं, कहीं पुरुष नहीं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, 1-2 की संख्या में नहीं थी ये, लाखों की संख्या। कभी जाइएगा मुखर्जी नगर के पास, एक जगह है कैंप, है ना, ये जो है ना आपका पूरा
जीटीबी नगर के आसपास ये पूरा इलाका था, यहाँ पे बसाया भी गया शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज को बड़े स्तर पे। तो बहुत बुरी कंडीशन है, पूरा तराई वाला इलाका जितना भी है स्पीसीज इस जगह पे भी बसाया गया। तो बहुत दर्दनाक स्थिति रही। ब्रिटेन को पता तब चला जब यहाँ रेडक्लिफ आया, रेडक्लिफ आया और रेडक्लिफ को दे दिया गया। रेडक्लिफ टेंशन में आ गया कि इतना बड़ा देश है, ब्रिटेन तो इंटू सा है, कुछ नहीं है उसमें, छोटा सा द्वीप है ना, एक दिन में बाइक लेके चले जाओ तो आर पार कर जाओगे। भारत जैसा देश, यहाँ पे मुझको लाइन खींचनी है दो तरफ से, एक तरफ से तो ठीक है पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए अलग, अब बांग्लादेश की लाइन तो और लंबी थी 4000 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया 21 दिन, लाइन खींचने में घर आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है। ये था आपका क्या बोलते हैं इसको, सीमा आयोग बनाया गया रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। और जब रेडक्लिफ फ्रस्ट्रेट हो गया तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद भारत सचिव से मिला, भारत सचिव से बोला भाई साहब ये क्या है, ये क्या नौटंकी है, मुझे 21 दिन के लिए भेजा गया है, मुझे कम से कम 3 साल दो यहाँ पे, ये 3 साल का काम 21 दिन में कैसे होगा। तो उसने कोने में बुलाया, इधर आओ, बोले ब्रिटेन से तो नहीं मिले, बोले नहीं मिले, बोले टेंशन मत लो मैंने सब काम करके रखा है, तुम्हारा तो सिर्फ चेहरा यूज करना है हमें। और उसको एक पर्चा पकड़ाया गया जिस पर्चे में भारत के विभाजन की लकीरें मैप में खींची हुई थी, बोले बस इसी को आपको कुछ नहीं करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है। और फाइनली जब ये बात उसे पता चली तो रेडक्लिफ को भनक लग गई कि पूरी कहानी पहले रची गई थी, भाई ये मानचित्र आ कैसे गया, ये बना किसने दिया मानचित्र, है ना, अभी तो मुझे भेजा गया सीमा प्रबंधन के लिए, यहाँ सीमा प्रबंधन पहले से हुआ पड़ा है। तो वो गए ब्रिटेन के पास और ब्रिटेन से बोले कि भाई आपको जानकारी है कुछ, बोले क्या, बोले यहाँ पे ये पूरी कहानी रची जा चुकी है, आप तो सिर्फ मोहरा बने हैं बहुत बड़े स्तर पे। तब ब्रिटेन को एहसास हुआ कि मुझे फंसा दिया इन्होंने ला करके। और ब्रिटेन इसीलिए भारत में रुके बहुत बात तक, भारत की आज़ादी के बाद वो क्यों रुके, क्योंकि उनको लगा कि मैंने भारत का विभाजन कराने की जो मैंने गलती की है, ये विभाजन ब्रिटिश हुकूमत की गलती थी, ब्रिटिश हुकूमत विंस्टन चर्चिल ने पूरा प्लान, जब भारत सचिव से मिले भारत सचिव ने कहा यार ड्रामा मत करो, 4 दिन बाद हमें जाना है, चुपचाप अपने देश निकलो, अपने देश के प्रति स्वामी भक्त रहो। तो ब्रिटेन को इस चीज़ की पीड़ा थी और तभी वो बात तक रुके कि मैं भारत के विभाजन की जगह अब भारत को एकीकृत करके जाऊंगा। इसलिए सरदार पटेल के साथ साथ ब्रिटेन का ही उतना योगदान है कि उन्होंने भी भारत के एकीकरण में लास्ट तक रुक करके एक एक राज्य से बात की और भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की आज़ादी जिस परिस्थिति में हुई, ये परिस्थिति आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, ये हमारी शर्तों की आज़ादी नहीं थी। हमारी शर्त कहाँ थी मुझे ये बताइए, हमारी शर्त यहाँ पे यदि हम आज़ाद हो जाते शायद शर्तें होती हमारी, हम 5 साल बाद हो रहे हैं आज़ाद, क्या शर्तें, अंग्रेजों के भारतीय शासन अधिनियम 1900 है ना उसके तहत आज़ाद हो रहे हैं, भारत को विभाजित कर रहे हैं, एक टुकड़े को दो टुकड़े अलग करके जा रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल दे के जा रहे हैं, औपनिवेशिक शोषण था ही, पैसा था नहीं देश के अंदर, एक नवजात भारत, एक नवजात बच्चा जो सिर्फ मांस का लोथड़ा होता है और कुछ नहीं, वैसा भारत मिला किसको, भारत के संविधान निर्माताओं को। अब आप दुनिया भर का आज ज्ञान हम लोग बांटते रहते हैं कि ये कर दिया वो नहीं किया ऐसा हो गया, आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था के बारे में आपको पता क्या है कि अंबेडकर ने क्या दर्द सहे थे, अंबेडकर ने उस कौम के लिए क्या देखा था। तो अंबेडकर तब तो लाएंगे रिजर्वेशन सिस्टम जब वो आदमी दर्द, आज भी देख लीजिए आज क्या कंडीशन है, आज भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद संविधान सभा बैठी और उन्होंने कहा हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो अपने आप में अनोखा होगा और अद्वितीय होगा, और आज ऐसा हमारा सिस्टम बना है। विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत विश्व के सभी संविधानों से जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1935 को भी सम्मिलित करते हुए भारतीय संविधान को तैयार किया गया, समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार दिया गया, समाज के पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन जैसी सुविधा दी गई, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, संप्रभु राज्य, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए और संविधान 26 जनवरी को लागू कराया गया। तो कोई यदि कहे कि उस समय की कंडीशंस और इस समय की कंडीशंस दोनों सिमिलर हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे साथ भेदभावपूर्ण होगा। नेहरू को जैसा भारत मिला वैसा भारत नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला है। यदि नरेंद्र मोदी जी को वैसा भारत मिलता तो उनको भी पता होता, क्योंकि ये डिबेट आमतौर पर हम सुनते हैं चुनावी भाषण आते हैं, अरे नेहरू ने ये कर दिया नेहरू ने, अरे क्या नेहरू के बारे में आप जाने, नेहरू की परिस्थितियाँ आपको पता है, तब इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी थी आपकी, तब क्या था इकोनॉमी में, कितना पैसा था भारत के पास, कितने लोग शिक्षित थे, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, कितने हॉस्पिटल्स बन गए थे,
कितना आपके पास यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी कितनी अच्छी थी। आज हम दुनिया भर की चीज़ें बनाए बैठे हैं तो बोलने में कुछ नहीं जाता है। कहते हैं जब आदमी का बन जाता है तो बोलने आवाज़ आ जाती है उसके अंदर, बोलते बनता है उसे। तो आज के प्रधानमंत्री यदि आएंगे तो नेहरू के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। नेहरू को एक नवजात भारत मिला जिसको उसने बच्चा बनाया, बड़ा किया, धीरे 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 उसको थपेड़े मार के। अब उन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रयोग के दौर पे था भारत, वो प्रयोग ही तो कर रहे थे हर चीज़ पे। कश्मीर का इशू हुआ, गांधी उसको क्या पता था कि उन्हें ये जो यूनाइटेड नेशन संस्था बनी इतनी कमज़ोर संस्था बन जाएगी कि ये विवाद को त्रिपक्षीय बन गया, धोखे से विवाद हो गया वो घटना। लेकिन नई नई संस्था थी वो, बिल्कुल। कबायली आक्रमण हुआ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा फंस गया एक स्टेट के कारण, आज वो घटना है, बड़ी स्तर पे वो समस्या है और इतने बड़े स्तर पे है कि पूरा का पूरा उस क्षेत्र की आबादी प्रभावित है उससे, भारत देश प्रभावित है पूरा उससे, भारत देश का एक कौम प्रभावित है उससे, पूरा एक धर्म प्रभावित है उससे, कश्मीर से पूरा विश्व के अन्य देश भी प्रभावित हैं उससे। छोटी मोटी घटना नहीं बनी है वो भी एक कैंसर बन गया है, उसका भी इलाज अब समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। दुनिया भर की थेरेपी कर डाली गई, कुछ नहीं निकला उसमें, तो मुद्दा निकलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हम नेहरू को इस चीज़ पे दोषारोपण करें तो हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। हम नेहरू के बारे में जानते कितना है कि नेहरू ने क्या दंश झेला है, नेहरू ने देश के लिए क्या, पंचायती राज व्यवस्था नेहरू की देन, सामुदायिक कार्यक्रम जो चल रहे हैं नेहरू की देन, पंचशील समझौता नेहरू की देन, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू की देन, भारत का परमाणु कार्यक्रम नेहरू की देन। नेहरू ने क्या नहीं किया देश के लिए। भारत में जो औद्योगिकरण है, औद्योगिक नीति है 1956 की, नेहरू की देन। पंचवर्षीय योजना नेहरू की देन। तो नेहरू ने दिया, अब आगे चल के उत्तराधिकारी नहीं संभाल पाए उनकी कोई गलती नहीं है। वंशवाद परिवारवाद ये सब आकर के हावी हो गया किसी एक संस्था पे, तो ये नेहरू की गलती नहीं थी। तो नेहरू को ब्लेम करना कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल से सही तर्कशील नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, आमतौर पे पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है, उस इशू पे नहीं जाऊंगा मैं। अब हम लोग विषय वस्तु पे आते हैं, हमारा विषय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आपको क्या लगता है कैसे पढ़ाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मैं पहले आप लोगों को भारत के सभी गवर्नर जनरल जितने बने हैं अब तक जब से वो आए शासक के तौर पे, उनका पूरा क्रम पढ़वा दूँ शुरू से लेकर अंत तक, पूरे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय ये सब पढ़ा दूँ। इसके बाद फिर मैं आपको 1857 की क्रांति में आऊँगा ताकि उनके नाम आएंगे, उन गवर्नर, गवर्नर जनरल इन सब के उनके काम आएंगे, तो जो भी नाम काम आएंगे उन सब नाम काम को बाद में पढ़ लेंगे, ये मुझे लगता सही होगा। शुरुआत हम करते हैं नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, गवर्नर, गवर्नर जनरल और इन सब से। गलत तो नहीं मैं दिशा में हूँ आप लोग, क्योंकि प्रबुद्ध लोग बैठे हुए मेरे सामने, तो मेरा ज्ञान मार्गदर्शन करना आपका काम है। मुझे सही ये लगा कि हम एक बार पहले पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ताकि उनके नाम सबके आते रहेंगे आगे चल के, तो नाम आपको एक क्रम पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया और फिर कौन आया। तो ये क्रम मैं पहले आपको पढ़ा दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही हूँ ना। ठीक है, इसके बाद फिर हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर एक बार फिर नेशनल मूवमेंट में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो,